ગુજરાત હાઈકોર્ટે લવજેહાદ મુદ્દે સરકારનો ઉધડો લીધો છે. લવજેહાદ અંગે કોર્ટે કરેલા હુકમ પર સરકાર તરફથી એડવોકેટ જનરલે સ્ટેની માંગ કરી હતી, જેનો હાઈકોર્ટ દ્વારા આજે ચુકાદો આપી કલમ 5 પર કરેલા હુકમ મુદ્દે સ્ટેની સરકારની માંગને હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે કોઈ ભૂલ ન કરતા ઓર્ડરમાં સુધારો કરવાનો ઇનકાર કર્યો, તેમજ કહ્યું કે સેક્શન 5 યથાવત રહેશે. મહત્વનું છે કે લગ્નના હેતુ માટે ગુજરાત ફ્રીડમ ઓફ રિલીજન એક્ટની કલમો 3, 4, 4A થી 4C, 5, 6, 6A ની કલમો મુજબ લવજેહાદનો કાયદો અમલવારી થઈ રહ્યો છે. गुजरात सरकार ने 19 तारीख को गुजरात हाईकोर्ट के दिए हुए अंतरिम आदेश में संशोधन की जो याचिका दी थी, वो एक तरह से सरकार अपने फेस सेविंग का काम करने की कोशिश कर रही थी. उस ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि शादी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य का नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अंतरिम स्टे दिया. लेकिन सरकार ने उस सेक्शन 5 को एक अलग से देखते हुए ये कहने की कोशिश की कि इससे कन्वर्जन्स जो हैं, जो लीगल और इलीगल कन्वर्जन्स हैं, उसके ऊपर असर पड़ रहा है और कोई भी आदमी अगर आप धर्मांतरण करना चाहे तो उसको पूर्व मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी. इस पर हमारे विद्वान वकीलों ने बहस की और उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश में बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी तरह के शादी और जो धर्मांतरण है, दोनों को आप कैसे अलग अलग करके देखते हैं एक जगह पर, एक जगह पर आप एक साथ देखते हैं. इसको लेके बहस हुई और कोर्ट ने माना कि उनका जो आदेश था और जो पहले जो बहस हुई है वो बिल्कुल ठीक थी और इसमें सरकार की अर्जी को खारिज किया, स्टे को यथावत रखा गया. इसका अर्थ ये कि जो व्यक्ति की नागरिक की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको जो सरकार काटने की कोशिश कर रही है, वो नागरिकों की स्वतंत्रता पर काट अब नहीं होगी और लोग स्वतंत्रता के साथ अपनी मर्जी से अपने जीवन जीने के अधिकार के साथ शादी कर सकेंगे. इस जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें स्पष्ट कहा गया था कि कोई भी शादी, ये मान लिया जाएगा अंतरधर्मीय लोगों के बीच में कि वो धर्मांतरण के लिए हो रही है, जिसको लेके कोर्ट का वर्जन था कि आप कैसे मान सकते हैं कि कोई दो अंतरधर्मीय लोग शादी धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं. इसलिए उस सेक्शन को उन्होंने रोका था और इसका सीधा असर जो पूर्व मंजूरी शादी के लिए लेने की बात थी या मजिस्ट्रेट को सूचना देने की बात थी, अब वो नहीं देना होगी. कोई भी आदमी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने शादी को कर सकता है. મહેસાણામાં અભ્યાસ કરતી અને મૂળ નવસારીના વાસંદા ગામની વતની